उत्तर प्रदेश चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वह गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भीम आर्मी चीफ ने 18 जनवरी को यूपी की 33 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। योगी के गोरखपुर सीट से लड़ने का ऐलान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को किया था। इस दौरान प्रधान ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित 105 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की थी। मौर्य को प्रयागराज के सिराथू सीट से मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ होने के कारण गोरखपुर सदर सीट पर पूरे यूपी की नजर रहती है। गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव होने की वजह से राम मंदिर आंदोलन से लेकर मोदी लहर तक इस सीट की अहम भूमिका रही है। ये सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है। 1967 के बाद से अब तक हुए चुनाव में भाजपा हमेशा इस सीट पर जीती है। 2002 से लेकर 2017 तक भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल यहां से विधायकी का चुनाव जीतते आए हैं। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से गोरखपुर सदर विधानसभा की सीट में सबसे ज्यादा 474 पोलिंग बूथ इस सीट में ही है। योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मंदिर पीठाधीश्वर बनने के बाद यह सीट उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाली सीट बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।